टाटा अपनी HBX माइक्रो SUV को लॉन्च करने वाला है। HBX को ब्लू कलर में प्लांट के अंदर देखा गया है, मतलब ये है कि राइनो को प्रोडक्शन हाउस में देखा गया है। और इस गाड़ी को बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो। आप खुश हो सकते हैं कि जब टाटा की इंस्पिरेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी सॉलिड होने वाली है। टाटा ने अपनी HBX को ऑटो एक्सपोर्ट 2020 में दिखाया था और टाटा इसको जल्दी ही लॉन्च करने वाला है। HBX के स्टीयरिंग व्हील पे आप राइनो की एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। और इसकी इंटीरियर की बात कर लें तो इसके अंदर आपको अल्ट्रोज और नेक्सोन वाला 7 इंच का टचस्क्रीन मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और इसके अंदर आपको आयरा कार कनेक्टिविटी मिलती है और इसमें आपको डिजिटल और अनलॉक वाला दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है और काफ़ी कूल भी लगता है। टाटा की HBX इंडिया की बेस्ट माइक्रो SUV होने वाली है। इस गाड़ी में आपको अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म मिलता है जो टाटा की अल्ट्रोज में आता है। अल्ट्रोज को 5-स्टार NCAP रेटिंग मिली है, जो इंडिया की आता है। लेकिन आपको इस गाड़ी में ज़्यादा नहीं तो 3.5 या 4 स्टार ही मिलते हैं, तो भी ये गाड़ी अपने सेगमेंट की पहली ऐसी गाड़ी बन जाएगी। इतना ज़्यादा डिले क्यों होता जा रहा है? COVID-19 की वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वेटिंग पीरियड में जाती जा रही है। और इस गाड़ी कब लॉन्च होगी? ये अगस्त में या सितंबर के एंड में लॉन्च हो सकती है। अब आप ये मान कर चलो कि आपको ये गाड़ी जल्दी ही देखने को मिल जाएगी। इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि टाटा इसमें बेस्ट है। टाटा HBX के अंदर आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो 84 भी अच्छी पावरफुल है और 113 वो टॉन जनरेट करके देता है। इसके अंदर आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। इसके अंदर आपको टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिल सकता है, जो 100 BHP के लमसम पावर निकाल के देगा। और कुछ टाइम के बाद आपको इसके अंदर इलेक्ट्रिक वर्जन भी देखने में मिलेगा, जो 200 से 250 तक की रेंज आपको आराम से निकाल के देगा, जानकारी के मुताबिक। आज की इस वीडियो में इस गाड़ी के लॉन्च के बारे में बताऊंगा, लॉन्च के साथ साथ इसका क्या प्राइस होने वाला है और इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो बिल्कुल हटके होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। अगर इस गाड़ी की लुक्स को देखें तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगती है, जो मुझे लगता है। इसके सामने आपको दो पार्ट्स में लाइट्स मिल जाती है, हैरियर और सफारी की तरह। और इसके सामने आपको मोटा सा एक बम्पर मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा मोटा है। इसके अंदर आपको टियागो वाला ही हरमन का स्पीकर मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। 4 स्पीकर 4 ट्विटर के साथ में आप इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया गाने भी सुन सकते हो। इसकी साइड प्रोफाइल को देखें तो इसके साइड प्रोफाइल में आपको 15 से 16 इंच के अलॉय मिल जाएंगे, लेकिन शायद 15 से 16 के नहीं, 15 के ही मिल सकते हैं। टॉप एंड वेरिएंट में आपको इसमें मारुति वाला ही स्विफ्ट वाला डोर हैंडल्स देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया और कूल लगता है। पीछे आपको इसमें एरो शेप लाइट्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी कूल लग रही है, क्योंकि ये टाटा की सिग्नेचर को दर्शाती है। और आपको इसमें पीछे मोटा सा बम्पर मिल जाता है, इसके दोनों बम्पर काफ़ी मोटे मोटे लग रहे हैं मुझे। इस गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी बढ़िया लगता है, इसमें आपको स्पेस काफ़ी मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लुक्स भी मिलती है। और शायद आपको इसमें रियर एसी वेंट्स ना मिले, क्योंकि ये गाड़ी थोड़ी सी छोटी है। आपको अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आपको सामने वाले एसी वेंट से ही हवा लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ा पंगा तो तब है भाई कि इस गाड़ी को किस सेगमेंट में कंपेयर किया जाए। अगर एक ग्लोबल NCAP में 5 स्टार नहीं तो 3 से 4 स्टार भी लेके आती है, तो भी इस गाड़ी को किससे कंपेयर करें? KU100 से या इग्निस से या मारुति की S300 से? अभी तक इसका नाम ऑफिशियली तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। इसका नाम क्या होने वाला है? टाटा की HBX या फिर हॉर्नबिल या टुमेरो? अभी कुछ नाम लीक नहीं हुआ है, बिल्कुल सफारी की तरह। जिस तरीके से सफारी का नाम पहले ग्रेविटास होने वाला था, उसी तरीके से इसका नाम बिल्कुल थोड़ा कन्फ्यूजन वाला हो रहा है। टाटा HBX को अगर लेंथ वाइज देखें तो इसकी लेंथ होने वाली है 3840 mm की, इसकी विड्थ होने वाली है 1822 mm की, इसकी हाइट 1635 mm की होने वाली है, और इसका जो व्हील बेस है वो होने वाला है 2405 mm का। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको 185 mm का मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आप इससे थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, आप इसके अंदर 3 लोग पीछे आराम से बैठा सकते हैं। वैसे तो गाड़ी काफ़ी छोटी है, वैसे आप इसमें 2 लोग बैठाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इस गाड़ी में आपको 275 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक लगता है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।